पुलिस की जीप में मुंह छिपाए शख्स आखिर ये कौन है? ये शख्स है सुहेल, जो कि लड़कियों को छेड़ने के आरोप में पकड़ा गया है। ये मनचला आज एक लड़की को, जो कि स्कूल से घर लौट रही थी, जबरन उसको अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश कर रहा था, जिसको कि सूचना मिलने पर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि इस मनचले पर पहले भी लड़कियों को छेड़ने का आरोप लग चुका है। छेड़ाखानी के मामले में जेल भेजे जा रहे इस लड़के पर पुलिस अब गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई करेगी। कुछ नहीं, वो मैं जा रही थी तो वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और मेरा हाथ पकड़ रहा था, तो मैंने किसी का फ़ोन मांगा और उससे इनको फ़ोन किया मैम को, तो मैम वहाँ पे आई और फिर उसको मुझे लेके आई यहाँ पे, फिर उस लड़के को बुलवाया गया यहाँ पे। कोतवाली क्षेत्र सदर में एक कल शाम को एक युवती के साथ छेड़खानी में एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है और उस अभियुक्त को के बारे में बार बार शिकायत मिलती रही है। पहले भी वो छेड़खानी घटनाओं में संलिप्त रहा है, लिहाजा उसको FIR दर्ज करके 354 के अंतर्गत उसको जेल भेजा जा रहा है और उस पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, गुंडा एक्ट की कार्रवाई बनती है, जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। हाँ, एंटी रोमियो दल हमारा शहर में सक्रिय रहता है और उसमें महिला थाना अध्यक्ष उसकी प्रभारी हैं और उनको सूचना मिली और तत्काल पहुंच करके उसकी गिरफ्तारी मौके से की गई है। तो इस तरह हमारा एंटी रोमियो दल सक्रिय तौर पर काम कर रहा है। छेड़ाखानी के आरोप में पकड़े गए सुहेल को पुलिस ने जेल के लिए रवाना कर दिया है। mylakhimpurkheri.com के लिए संदीप पावा। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोज़।